मैं इसलिए आया था कि मुझे पहले मैंने गिनर लिया था तो जिस पे प्रचार आ रही थी तो उस पे लिया था, उसे लिया तो मेरा लीवर ख़राब हो गया, मेरे बाल लाल सब झड़ने लगे, देखो सब मेरे झड़ गए, पहले बहुत थे मेरे बाल, काल लाल भी पिचक गए, पता नहीं क्या हो गई प्रॉब्लम तब से, छोटे छोटे डब्बे थे पता नहीं क्या दे गया था, नहीं वो डब्बे में जैसे अंडरवियर आती वैसे ही पैक होके आया था, दो डब्बे छोटे छोटे मिले थे उसमें, वहीं ऐसा लग रहा था कि दरिया भरी पतला सा चिकना सा बिल्कुल था, वो सूंघता था तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या है, अजीब तरीके दवाई जैसा लगता था बिल्कुल, और बाल अब चले गए अब कहाँ आएंगे, वहीं जो खींचते हैं बस ठीक है, बढ़ा लिए थोड़े बढ़ाएंगे, और वो जो घने थे वो तो चले ही गए, क्या किया जाए जब देते हैं ख़राब चीज़, इसीलिए भैया के पास आए हैं अच्छी चीज़ लेने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट से रिलेटेड हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और फेक माफिया के सताए हुए भाई के बारे में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अवेयरनेस वाली रहेगी आपके लिए, भाई जो है राम अवतार जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई का, और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि भाई वीडियो बनाने के लिए एग्री हुए, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए एग्री हुए, वरना दोस्तों हर कोई एग्री नहीं होता, बहुत सारे जो है हमारे भाई आते हैं पर मैं उनसे कहता भी हूँ, बहुत उनकी डीप स्टोरीज होती हैं पर मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप रखो कैमरे के सामने, पर वो मना कर देते हैं। तो दोस्तों मैं हर किसी को फोर्स नहीं कर सकता, बट मैंने राम अवतार भाई को बोला तो भाई एक बार मैं एग्री हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी होना चाहिए और आप लोगों को, क्योंकि इन स्टोरीज के जरिए जो है हम अवेयर हो पाएंगे और फेक माफिया के अगेंस्ट खड़े रह पाएंगे। तो दोस्तों राम अवतार जी मतलब जो है आए हैं सोनीपत से, काफ़ी दूर से आए हैं, और आने का जो टाइम है दोस्तों वो भी है 9:30 बज रहे हैं और अब तो 10:30 हो रहे हैं। भाई आए थे शॉप मतलब जो है क्लोजिंग का टाइम था, तो मैं यहाँ पे था भी नहीं, मैं जो है दिल्ली गया हुआ था, भाई बोले कि भैया मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ स्पेशल, मैंने कहा भाई आप आए हो तो बिल्कुल दिल से स्वागत है, आप बैठो थोड़ी देर, और भाई ने वेट भी किया, देन फिर उसके बाद 9:30 बजे तक मैं जो है दिल्ली से वापस आया, देन उसके बाद में मैं भाई से फिर मिला हूँ, और भाई ने मतलब जो है बहुत सारा प्यार दिखाया मुझे, मतलब मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई इतना प्यार करते हैं उसके लिए सैल्यूट है, और भाई जो है म्यूटेंट मास गेनर लेने के लिए आए हैं, बट अफसोस की बात यह है कि म्यूटेंट मास गेनर जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया हमारे पास कल ही, और जो कि रीस्टॉक होगा नेक्स्ट वीक में, और मैं जो है भाई से बेहद सॉरी चाहूँगा इसके लिए, और भाई ने जो है कॉल भी नहीं की हमारे पास, वरना मैं भाई को पहले बता देता, पर दोस्तों फिर भी जो है भाई अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, वो तो कोई बात नहीं, मेरे पास जो है नेक्स्ट वीक जैसे ही आता है मैं भाई को जो है सोनीपत ही भिजवा दूंगा विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस। तो अब मैं जो है भाई से जानता हूँ, भाई यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्या स्टोरी है, इनकी सारी चीज़ें जानते हैं हम A to Z। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी जो है मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल रहेगी आपके लिए, काफ़ी आप जो है इसे ध्यान से देखिएगा। तो राम अवतार जी, मुझे दिक्कत ये थी, मैं भाई पहले आप अपना पूरा नाम, कहाँ से हैं, कहाँ काम करते हैं, सारी चीज़ें। मैं यूपी हरदोई का हूँ, मैं इधर सोनीपत में जॉब कर रहा हूँ, और वहाँ से यहाँ आया भैया की वीडियो देख के टिकटॉक पे, तो मैं यहाँ लेने आया था म्यूटेंट मास गिनर, तो यहाँ पे है नहीं, तो कह रहे नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा, भिजवा देंगे वहीं पर। तो मैं इसलिए आया था कि मुझे पहले मैंने गिनर लिया था तो जिस पे प्रचार आ रही थी तो उस पे लिया था, उसे लिया तो मेरा लीवर ख़राब हो गया, मेरे बाल लाल सब झड़ने लगे, देखो सब मेरे झड़ गए, पहले बहुत थे मेरे बाल, मतलब इस पहले घने बाल थे, पहले बहुत घने थे अब तो बिल्कुल झड़ गए, गाल लाल भी पिचक गए, पता नहीं क्या हो गई प्रॉब्लम तब से, छोटे छोटे डब्बे थे पता नहीं क्या दे गया था, सब चूरन की तरह भरा था, दरिया की तरह, और लीवर में प्रॉब्लम आई आप? हाँ वो तो प्रॉब्लम है ही है, अभी भी थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी चली गई लेकिन अभी है, 3-4 साल हो गए, 3-4 साल हो चुके हैं इस बात को, हाँ 3-4 साल और स्टिल जो है प्रॉब्लम है, हाँ अभी भी है, और बाल अब चले गए अब कहाँ आएंगे, वहीं जो खींचते हैं बस ठीक है, बढ़ा लिए थोड़े बढ़ाएंगे, और वो जो घने थे वो तो चले ही गए, क्या किया जाए जब देते हैं ख़राब चीज़, इसीलिए भैया के पास आए हैं अच्छी चीज़ लेने। तो दोस्तों राम अवतार जी ने मतलब आपको बताया, और दोस्तों जो फेक सप्लीमेंट्स हैं उनका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है लीवर प्रॉब्लम और हेयर फॉल, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, और अगर अनकॉमन की बात करेंगे तो दोस्तों उसमें तो फिर मतलब जो है डेथ भी और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, ये कॉमन प्रॉब्लम, और भाई मतलब आप समझ रहे हैं मैं भाई की जो है फीलिंग समझ सकता हूँ, भाई ने जब मेरे को बताया कि मेरे बाल इतने घने थे, और दोस्तों
अब मतलब मैं इसमें क्या कहूँ, बस मैं भाई को तो मतलब जो है अब जो हुआ सो हुआ, बट दोस्तों मैं अब जो है भाई को पूरा गाइड किया कि कैसे फेक ओरिजिनल सप्लीमेंट में डिफरेंस करें, क्या नहीं कैसे, क्योंकि आज तो भाई मेरे पास आ गए, वैसे तो हमारी कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया है, बट फिर भी जो है भाई को पता रहना चाहिए कि भाई फेक ओरिजिनल में क्या डिफरेंस होता है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको भी बताना चाहूँगा कि जो है नकली सप्लीमेंट के चक्कर में मत पड़ो। भाई ने कोई ऐड देख ली थी ऑनलाइन, बस वो ऐड देखकर जो है भाई ने मंगा लिए और चूरन पता नहीं क्या था उसमें, और भाई का लीवर भी बैठा दिया और बाल तो गए सो गए। और दोस्तों बाल एक ऐसी चीज़ है कि आप कितने ही पैसे खर्च कर लो नेचुरल तो आ नहीं सकते आपके। तो भाई मतलब जो है काफ़ी आप समझ रहे हैं, आपने भाई ने मतलब इतने दिल से बोली बात कि अब मेरे पहले घने बाल थे उड़ गए। तो दोस्तों अब ये जो है फेक माफिया यही चाहता है कि उसको बस पैसे चाहिए, उसको बस माल पेलना है आपको, उसे पैसे से मतलब है। आपके बाद उसका लीवर ख़राब हो, आपका आपके बाल उड़े, आपके कुछ भी हो जाए, उसे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बाद में मैंने जब फ़ोन किया, उसे फ़ोन किया बार बार, तो काट काट देता था, उठा भी लिया तो एक बार मैंने प्रॉब्लम बताया तो फिर से काट दिया, फिर कभी मेरा फ़ोन ही नहीं लगा, लगता था भी था काट देता था, कट जाता था। और दोस्तों यही करता है फेक माफिया, एक बार उसने पैसे आपसे झटक लिए उसके बाद में उसका मतलब ख़त्म, आप जियो मरो से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए जो है सप्लीमेंट विला आपके साथ आया है फेक माफिया के अगेंस्ट, कि आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट्स हम दे सकें, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के बारे में पूरा गाइड कर सकें, फेक ओरिजिनल में क्या डिफरेंस होता है सारी चीज़ें हम बता सकें। तो दोस्तों आप हमेशा ओरिजिनल सप्लीमेंट लें, फेक सप्लीमेंट्स ना लें। दोस्तों फेक सप्लीमेंट से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और दोस्तों सप्लीमेंट विला हमेशा जो है आपके साथ खड़ा है ओरिजिनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराने में। और जैसे अब भाई आए हैं तो मतलब हमारा जो है पूरा यही गोल रहता है कि हम जो है आपको पूरा ओरिजिनली सप्लीमेंट दें। मैंने जो है भाई ने बोला मुझसे, भैया म्यूटेंट मास गेनर चाहिए, तो मैंने भैया को बोला, मैंने भाई देखो म्यूटेंट मास गेनर तो आउट ऑफ स्टॉक है, वो नहीं है। तो आप, मैंने भाई को इवन ये भी नहीं बोला कि भाई आप ये ले लो वो ले लो, भाई बोल रहे भैया मैं आरसी किंग मास ले लूं, मैंने कहा भाई रुको, अगर आप म्यूटेंट मास गेनर का सोच के आए हो ना और म्यूटेंट मास गेनर आपको अच्छा लग रहा है, उसके रिव्यूज़ आपने पढ़े, भाई ने बोला कि आपकी वीडियो देखी थी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, एक म्यूटेंट मास गेनर का एक रिव्यू भी मैंने वीडियो डाली थी, तो भाई बोले कि भैया मेरे को दिल वो भाग गया है। तो मैंने कहा भाई अब आरसी या कोई और गेनर आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि दिल को जो भाए वही चीज़ लेनी चाहिए। आपको म्यूटेंट भाग गया है ना तो रिजल्ट भी आपको म्यूटेंट ही देगा, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट्स है ना वो इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि आप जो है अब आरसी ले लें, नो डाउट म्यूटेंट से बेटर है, महंगा भी है, और भाई ने उसके लिए बोला भी मुझे, पर मैंने भाई को बोला, मैंने कि भाई अब अगर आप म्यूटेंट वो म्यूटेंट को छोड़कर आरसी लेंगे ना तो वो आपके मन के खिलाफ जाएगा, उससे आपको साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं रहेगा कि यार काश मैं म्यूटेंट ले लेता, यार काश मैं कहीं दो दिन और रुक जाता, यार काश, और वो फिर जो है ना साइकोलॉजिकल, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है आपके लिए। अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हो ना कि हाँ भाई मुझे जो है रिजल्ट आएंगे 110%, आप कॉन्फिडेंस में हो, तो दोस्तों रियलिटी में उसके आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी देखो डाइट वाइट तो आपको लेनी ही पड़ेगी, और जो है राम अवतार जी ने मेरे से एक और चीज़ बोली थी डाइट के बारे में कि भैया डाइट अगर मैं फॉलो ना कर पाऊँ तो रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे। मैंने भाई को मिसगाइड बिल्कुल नहीं किया। राम अवतार जी मैंने क्या बोला आपको बताइए, भैया ने बोला अगर आप डाइट नहीं लेगा तो 1-2 किलो वजन बढ़ाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। तो मैंने भाई को पूरा गाइड किया, मतलब मेरे पास इतनी आस लेके, मेरे पास इतनी उम्मीद लेके, इतना विश्वास करके भाई आए हैं, तो मैंने बिल्कुल बोल दिया, मैंने भाई देखो डाइट नहीं लोगे तो 0 रिजल्ट, फेल काम, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो है भाई को डाइट लेनी पड़ेगी। दोस्तों आपको भी डाइट लेनी ही पड़ेगी, अगर आप ओरिजिनल सप्लीमेंट लेते हैं तो डाइट आपका बेस है, बिना डाइट के तो रिजल्ट देखो आते ही नहीं है, वो मेन चीज़ है। मैंने भाई को यही चीज़ बताई, और मैंने जो है भाई को आरसी किंगमास या कोई और जो है लेने से बिल्कुल मना कर दिया, मैंने भाई बिल्कुल मत लेना, आप जो है म्यूटेंट ही लेना। और म्यूटेंट हमारे पास जो है, जैसे आज आपका फ्राइडे है, हमारे पास मंडे को जो है रीस्टॉक हो जाएगा, तो मंडे को और एक वेडनेसडे को हमारे पास रीस्टॉकिंग होती है, तो देन वो रीस्टॉक हो जाएगा, उसके बाद में मैं भाई को जो है सोनीपति पहुंचाऊंगा बिना किसी शिपिंग चार्जेस के। और भाई आए, भाई ने वीडियो बनवाई, अपनी बात शेयर की, इसके लिए मैं भाई का दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों आप अवेयर रहें, लीवर और हेयर फॉल मतलब भाई को हुए हैं फेक सप्लीमेंट से, फेक माफिया के जरिए। दोस्तों फेक माफिया से बचो, हमेशा ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो विद GST बिल, करंट इंपोर्टेड टैग और फ्रेश लॉट। अच्छा आपको उसका GST बिल वगैरह कुछ मिला था? कुछ नहीं, वही डब्बे में जैसे अंडरवियर आती वैसे ही पैक होके आया था, 2 डब्बे छोटे छोटे मिले थे, उसमें वही ऐसा लग रहा था कि दरिया भरी पतला सा चिकना सा बिल्कुल था।
कुछ नहीं था मतलब उसमें। वो सूंघता था तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या है, अजीब तरीके दवाई जैसा लगता था बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि भाई बता रहे हैं कि आपको जब उसे जो है स्मेल मतलब उसमें दवाई की सी स्मेल आती थी और बताया कि ना GST मिलता ना कुछ था। तो दोस्तों फेक माफिया बेसिकली यही करता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऑनलाइन भी आप जो है भरोसा यूं ही मत कीजिए, ये सेल चल रही है वो सेल चल रही है। दोस्तों किसी सेल पर भरोसा मत करो, बहुत फेक माफिया है और ऑनलाइन तो सबसे ज़्यादा भसड़ है। तो आप जो है बच के रहो फेक माफिया से। बाकी ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए सप्लीमेंट विला हमेशा खड़ा है विद GST बिल, करंट इंपोर्ट ट्रैक, फ्रेश लॉट के साथ मिलेंगे आपको, कोरियर सर्विस घर घर गांव गांव तक अवेलेबल है, कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली। अगर ओरिजिनल सप्लीमेंट्स आपको चाहिए तो सप्लीमेंट विला पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ ही रहे हैं, कॉल कीजिए मैसेज कीजिए किसी भी सप्लीमेंट का ऑर्डर डालने के लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई सप्लीमेंट के साथ। और दोस्तों ये वीडियो शेयर जरूर करना, आप सब भाइयों के काम आएगी, हमारे काम आएगी, जब हम अवेयर होंगे तभी इसके खिलाफ लड़ पाएंगे। और एक बार फिर से मैं भाई का धन्यवाद करता हूँ, भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमने वीडियो बनवाई। दोस्तों नमस्ते, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।